हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ आप मेरे यूट्यूब चैनल बीएससी बीएड के अंदर। अपने सीरीज चल रही थी, उसी सीरीज के अंदर आगे बढ़ते हुए मैं लिए चलता हूँ मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने बहुत से वीडियोस, बहुत से मैसेज और कुछ पीडीएफ फाइलें हैं वो डाल रखी हैं, आप उनको है ज़रूर से रीड करें। अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो पीछे 4 क्लासें मैंने ली हैं, आशा करता हूँ कि आपने उन क्लासेस को देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो आप उन क्लासेस को फॉलो करें और ज़रूर देखें दोस्तों, बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए वो होने वाले हैं। आगे वाली क्लास में चलते हैं। तो उस क्लास में अपनों ने पिछली क्लास में 22 तक क्वेश्चन है वो कर लिए थे। अब इस क्लास में मैं 23 नंबर जो क्वेश्चन है वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। 23वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि हुक के नियम को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द हुक्स लॉ। तो हुक नाम से एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1679 में प्रतिबल और विकृति के लिए प्रायोगिक रूप से एक नियम का प्रतिपादन किया। यह नियम जो था वो ये था कि विकृति की सूक्ष्म मान के लिए या कुछ सीमाओं में प्रतिबल उत्पन्न विकृति के समानुपाती होता है, जिसमें प्रतिबल और विकृति की निष्पत्ति एवं नियतांक होती है। इस नियतांक अर्थात प्रतिबल और विकृति का जो अनुपात है वो प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं। जो पदार्थ विशेष के लिए कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, परंतु भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए इसका मान भिन्न भिन्न होता है। एक ही पदार्थ के लिए प्रत्यास्थता गुणांक के मान विभिन्न विकृतियों के लिए भिन्न होते हैं। 24वां क्वेश्चन, केंद्रीय बलों के दो उदाहरण लिखिए। तो सेंट्रल फोर्स जो होते हैं उनके दो एग्जांपल अपने लें, तो स्थिर विद्युत बल हो गया और दूसरा गुरुत्वीय बल हो गया। तो ये केंद्रीय बलों के उदाहरण है, अपने ले सकते हैं। 25वां क्वेश्चन में क्या है, 25वें क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो 25वां क्वेश्चन है रेखीय संवेग संरक्षण के नियम को है वो परिभाषित करना है। तो रेखीय संवेग संरक्षण के नियम के अंदर क्या होता है कि किसी कण के द्रव्यमान व रेखीय वेग v का जो गुणनफल है वो रेखीय संवेग कहलाता है। यदि m द्रव्यमान का कोई कण v रेखीय वेग से गति कर रहा हो तो उसका रेखीय संवेग क्या होगा, p इज इक्वल्स टू m v होता है। संवेग p वेग वेलोसिटी के क्या होगा, समानुपाती होता है, और v की तरह p भी है वो प्रेक्षक के निर्देश फ्रेम पर निर्भर करता है। अच्छे से आप इसको नोट कीजिएगा, एक नंबर का क्वेश्चन बनेगा इसमें। 26वां क्वेश्चन क्या है, केंद्रीय बलों के अधीन गति की सामान्य लाक्षणिकताएं लिखिए। ठीक है, तो केंद्रीय बलों के अधीन अगर बात करें तो कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा, गति एक निश्चित तल में होगी और क्षेत्रीय तल भी अचर रहेगी। उसके बाद उचित समयांतराल से क्या समझते हैं, उचित समयांतराल का मतलब क्या होता है। उचित समयांतराल का मतलब ये होता है दोस्तों भी सापेक्षिकता में विश्व रेखा पर दो घटनाओं के मध्य उचित समय में अंतर को ही उचित समयांतराल कहते हैं। यानी सापेक्षिकता में विश्व रेखा पर दो घटनाओं के मध्य उचित समय में अंतर को ही उचित समयांतराल कहा जाता है। 28वां क्वेश्चन देखें, तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होते हैं और जड़त्वीय नियतांक क्या होते हैं, और जड़त्वीय नियतांक किस प्रकार की भौतिक राशि है, इसको अपने बताना है।
तो इस क्वेश्चन को अपन करें तो जड़त्वीय नियतांक है वो पिंड के द्रव्यमान के अतिरिक्त घूर्णन अक्ष के चारों ओर द्रव्यमान वितरण पर निर्भर करता है, और जड़त्वीय नियतांक है वो अदिश राशि न होकर के एक टेंसर राशि है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन में क्या है कि दंड से आप क्या समझते हैं? दंड, व्हाट इज दंड? दंड से आप क्या समझते हैं और कैंटिलीवर क्या है, इसको आपको बताना है। तो एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद क्रॉस सेक्शन जिसको बोलते हैं, अनुप्रस्थ परिच्छेद जो आयताकार या बेलनाकार हो सकता है, उसकी एक छड़ जिसकी लंबाई इसकी मोटाई की तुलना में बहुत ही अधिक हो वो दंड कहलाता है। जिस दंड को एक सिरे पर क्लैंप किया जाए और अन्य पर भार लटकाया जाए उसे कैंटिलीवर बोला जाता है, और जड़त्वीय निर्देश फ्रेम क्या है? 30वां क्वेश्चन। इसमें किसी पिंड पर लगने वाले छदम बल को है वो समझाइए। तो 30वें क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है कि वे रेफरेंस फ्रेम जिनमें न्यूटन का जड़त्व नियम सत्य नहीं होता नॉन इनर्शियल कहलाते हैं, जिसको अजड़त्वीय बोलते हैं। ये रेफरेंस फ्रेम एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर त्वरण से गति करते हैं, और एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक पर एक छदम बल कार्य करता है जो वास्तव में लगाया नहीं जाता। उदाहरण के लिए अपने बात करें तो जो वास्तव में लगाया नहीं जाता उसके अंतर्गत इस एक पिंड एम ए त्वरण से गतिमान एक गाड़ी पर चल रहा है, जब तब पिंड पर एक छदम बल एम और ए है वो कार्य करता है। तो एम और ए है वो गाड़ी की गति की विपरीत दिशा के अंदर कार्य करेगा, ये अपने उदाहरण ले सकते हैं। उसके बाद 31वां क्वेश्चन। 31वें क्वेश्चन में क्या है कि अभी केंद्र त्वरण से आप क्या समझते हैं, और एक समान वृत्तीय गति में कोई कण एक वृत्तीय पथ पर समान चाल से चलता है, यह डीवी पौन में डीटी बराबर जीरो, क्योंकि चाल वी है वो स्थिर है। अतः समीकरण के अनुसार देखें तो ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई सदिश। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने बनेगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखें तो आगे वाले के अंदर 31वें क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। 31वें क्वेश्चन में स्पष्ट हो जाता है कि त्वरण है वो माइनस ई आर दिशा में है और त्रिज्या के अनुदिश केंद्र की ओर है, तो यह त्वरण ही अभी केंद्र त्वरण कहलाता है। इस त्वरण के कारण वेग की दिशा निरंतर बदलती रहती है जबकि चाल है वो स्थिर रहेगी। इस समीकरण के अनुसार अभिकेंद्रीय त्वरण है वो अपने पास ए इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर प्राप्त होगा। यहाँ से ए इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू क्या होता है, आर ओमेगा। तो यहाँ पर वी ओमेगा की जगह वी की जगह आर ओमेगा रखेंगे तो ओमेगा स्क्वायर वी स्क्वायर पॉन में अपने पास वी स्क्वायर पॉन में आर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण अपने त्वरण की बनेगी। उसके बाद 32वां क्वेश्चन। 32वें क्वेश्चन में क्या है कि किसी अधिकतम वेग से कोई पिंड एक रुक्ष वृत्तीय पथ पर गति कर सकता है, समझाइए। वह अधिकतम वेग बताना है इस पर कोई पिंड है वो वृत्तीय गति कर सकता हो, तो उसकी बात करें तो किसी पिंड की वृत्तीय पथ पर सुरक्षित गति के लिए अपने ये इंट्रीपेटल फोर्स आवश्यक होता है,
ठीक है, आंतरिक बल होता है उसको बोलते हैं। तो न्यून चाल की दिशा में यह आंतरिक बल सड़क और टायर के बीच घर्षण बल प्रदान करेगा। और दूसरे शब्दों में कहें तो ये चित्र आपको दिख रहा है, इस चित्र में ये जो चित्र है इसके अंदर, इस चित्र में आपको एन लंबवत प्रतिक्रिया और ओमेगा एस एन जो है वो स्थैतिक घर्षण गुणांक हैं, ठीक है, और आपके अंदर बल एम वी स्क्वायर पॉन में आर को संतुलित करेगा। अतः अधिकतम वेग जिससे कोई पिंड एक रुद्रवर्तीय पथ पर गति कर सकता हो सड़क के झुकाव की अनुपस्थिति में निम्नलिखित शर्त अपने पास प्राप्त होती है। तो वो शर्त क्या है? वो शर्त ये है कि मेगा एस एन का मान है एम स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन में आर होना चाहिए, और यहाँ से मेगा एस एम जी इज इक्वल टू एम स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन में आर प्राप्त होगा। यहाँ से वी मैक्सिमम का मान निकालेंगे तो वी मैक्सिमम का मान रूट ओमेगा एस आर जी प्राप्त हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपने पास ये बन जाता है, इसको आप अच्छे से याद कीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो इसकी श्रेणी में ये आता है। 33वें क्वेश्चन में स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कीजिए और स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा बताइए। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है? तो स्थितिज ऊर्जा की अवधारणा है वो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड में होती है, और यह वस्तु द्वारा अपनी स्थिति के कारण कार्य करने की क्षमता के रूप में परिभाषित की जाती है। तो किसी पिंड की जो स्थिति ऊर्जा है उस पिंड को अनंत से कंजर्वेटिव फील्ड के किसी बिंदु पर कंजर्वेटिव फोर्स के विरुद्ध लाने में ऋणात्मक वर्कडन यानी ऋणात्मक जो कार्य है वो किया जाता है उसी के बराबर होती है। तो ये अपने पास स्थिति ऊर्जा प्राप्त होगी क्योंकि अनंत से वो आर दूरी में विद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं, तो एफ डॉट डी आर के अंदर अपने बात करेंगे। तो ये समीकरण अपने स्थिति ऊर्जा की बात होती है, यहाँ पर एफ जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 34 है वो बल के आवेग को परिभाषित किए। तो बल का आवेग क्या होगा? टक्कर के दौरान कणों में कुल मोमेंटम का पुनर्वितरण हो जाता है और टकराने वाले प्रत्येक कण पर एक इम्पल्स कार्य करेगा, ठीक है, उच्च बल इम्पल्स कार्य करेगा, और पुनः कणों का कुल मोमेंटम और कुल ऊर्जा संरक्षित रहेगी। यही बल के आवेग को प्रदर्शित करेगा। बल का आवेग की बात करें तो जब एक उच्च बल एफ है, एफ उच्च बल है, ये एफ उच्च बल एफ कणों पर एक न्यून समय अंतराल डेल्टा टी के लिए कार्य करता है, और तब गुणनफल एफ डेल्टा टी बल का आवेग कहलाएगा और फोर्स एफ परिणाम में बदलता है और टी वन टी टू समय के लिए कार्य करता हुआ नजर आएगा और तब ये इम्पल्स ऑफ फोर्स कहलाएगा। यहाँ से प्राप्त इम्पल्स और फोर्स है वो प्राप्त होगा। ये रहा 35वां क्वेश्चन, किस प्रकार के संकट अप्रत्यास्थ कहलाते हैं? तो वे कोलिजन्स जिनके दौरान टकराने वाले पिंडों की कुल गतिज ऊर्जा बदल जाती है अप्रत्यास्थ संघट या कोलिजन्स कहलाते हैं। जब ये संघटक के पश्चात दोनों पिंड जुड़ जाएं तो कोलिजन है वो पुनः अप्रत्यास्थ हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन, जड़त्वीय और गुरुत्वीय द्रव्यमान में क्या अंतर है? तो किसी पिंड का जो मास दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। एक विधि में एक ज्ञात बल एफ के द्वारा पिंड में उत्पन्न एक्सेलरेशन जो त्वरण है उसका मापन कर लेते हैं, तब निम्नलिखित समीकरण से अपने को मास की गणना कर सकते हैं। जैसे एम आई इज इक्वल टू एफ पॉन में ए, यहाँ से त्वरण है वो निकलता है, यह पिंड का जो इनर्शियल मास है वो कहलाएगा। पिंड का जो ग्रेविटेशनल मास होता है वो ज्ञात करने के लिए पिंड पर पृथ्वी के किसी अन्य पिंड द्वारा लगाए गए गुरुत्वीय बल का जो
मापन है वो किया जाएगा। यहाँ से एम व आर पृथ्वी के मास और रेडियस हैं, एम जी गुरुत्वीय द्रव्यमान है, यहाँ से एम जी का मान है वो एफ आर स्क्वायर अपॉन में जी एम प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रयोग से ये सिद्ध होता है कि इनर्शियल और ग्रेविटेशन मास एक दूसरे के क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं, क्योंकि एफ इज इक्वल्स टू जी एम एम जी अपॉन में आर स्क्वायर, या इसको अपने एम जी बराबर एफ आर स्क्वायर अपॉन में जी एम लिख सकते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, 37 में क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक ज्ञात करने के लिए अपने चुंबकीय गुरुत्वीय त्वरण के लिए व्यंजक उत्पन्न करना है, तो पृथ्वी प्रत्येक पिंड को आकर्षित करेगी, चुंबकीय आकर्षण रखती है, अतः पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के केंद्र की ओर ही त्वरित होगा या त्वरण उत्पन्न करेगा, यह गुरुत्वाकर्षण त्वरण जी कहलाएगा, जो गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। यदि एम और आर पृथ्वी के द्रव्यमान और त्रिज्या हों, एम और आर पृथ्वी के द्रव्यमान व त्रिज्या हों, ये जो एम है और ये जो आर है वो पृथ्वी के द्रव्यमान व त्रिज्या हों, तो एम पिंड का मास हो तो यहाँ से अपने पिंड का जो भार है एम जी है वो पिंड तथा पृथ्वी के बीच की गुरुत्व बल को प्रवेशित करेगी, तो एम जी बराबर है वो जी एम अपॉन जी एम एम अपॉन में आर स्केयर होगा, और जी बराबर है वो जी एम अपॉन में आर स्केयर होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये अपने गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो प्राप्त होगा। 38वां क्वेश्चन है, स्थानांतरण एवं घूर्णन गति को स्पष्ट करें। तो जब किसी पिंड के सभी कण एक दूसरे के समांतर एक ही रैखिक वेग से चलते हैं तो वस्तु अथवा निकाय की गति स्थानांतरित कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास है ये स्थानांतरित गति है वो कहलाएगी। किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र में प्रत्येक कण का वेग उसके द्रव्यमान केंद्र के वेग के तुल्य होगा, अतः स्थानांतरण गति है वो द्रव्यमान केंद्र की गति के तुल्य होती है। जब पिंड के समस्त कण एक नियत रेखा के चारों ओर वृत्तीय पथों में, ये जो मैं पढ़ रहा हूँ, चारों ओर वृत्तीय पथों में गति करे तो पिंड की गति को घूर्णन गति कहेंगे, और प्रत्येक कण के वृत्तीय मार्ग का केंद्र घूर्णन अक्ष पर स्थित होगा। इस प्रकार की गति में सभी कणों का कोणीय वेग और कोणीय विस्थापन समान रहता है, परंतु घूर्णन अक्ष से भिन्न भिन्न दूरियों पर स्थित विभिन्न कणों का वेग वो भिन्न भिन्न होता है। घूर्णन अक्ष से कण की दूरी है वो जितनी अधिक होगी वो कण का रेखीय वेग भी उतना ही अधिक होगा, यानी कणों का रेखीय वेग है वो क्योंकि घूर्णन अक्ष से दूरी पर निर्भर करेगा। किसी दृढ़ पिंड की गति है वो स्थानांतरण दृढ़ पिंड की गति स्थानांतरण जो स्थानांतरण घूर्णन है गति दोनों का योग ही हो सकते हैं, ये अपने पास प्राप्त होगा। तो 39वां क्वेश्चन है, घूर्णन नियमों का वर्णन करें। घूर्णन नियम कितने हैं? तो रैखिक गति जो लाइनर मोशन है में जिस प्रकार न्यूटन के तीन नियम हैं उसी प्रकार घूर्णन गति के तीन नियम हैं जो निम्न हैं। जब तक बाह्य बल आघूर्ण न लगाया जाए तब तक दृढ़ पिंड की घूर्णन दर समान बनी रहेगी, और दूसरा है वस्तु में किसी स्थिर अक्ष की अपेक्षा उसके घूर्णन परिवर्तन की दर उस पर लगे बाह्य बल आघूर्ण के समानुपाती होती है और बल आघूर्ण की दिशा में होती है। तीसरा इसमें नियम है, यदि किसी एक वस्तु के द्वारा किसी दूसरी पर कोई बल आघूर्ण अनुभव किया जाए तो द्वितीय के कारण प्रथम पर उतना ही बल आघूर्ण अनुभव होता है। ये तीन अपने घूर्णन नियम होते हैं जो रैखिक गति के लिए होते हैं। पोवासो की परिभाषा, पोवासो की परिभाषा सीजीएस पद्धति में शांतता गुणांक के मात्रक यूनिट को पोवास कहते हैं, और शांतता की घटना में पोजली ने विशेष योगदान दिया और इसके नाम पर इस मात्रक को पोवास कहा गया। तो इसका जो बात करें पोवासो समीकरण है वो ईटा इज इक्वल टू एफ अपॉन में ए डॉट वन अपॉन में डी वी अपॉन में डी एक्स प्राप्त होगा।
ये अपने प्रवास समीकरण होगी। इस वीडियो के अंदर इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँगा आगे वाले क्वेश्चन जो इसमें बचे हुए हैं, और नेक्स्ट फिर दो दो नंबर तीन तीन नंबर वाले क्वेश्चन भी लेके आऊँगा। तो इस चैनल को आप वो सब्सक्राइब शेयर करें इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट जरूर करके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही।